नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौजूदात पर। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली कामयाब बैडमिंटन खिलाड़ी से एक मुलाकात। वादी कश्मीर में बच्चों के लिए मखसूस टीकाकारी मुहिम शुरू। सियाहती मकाम कोकरनाग में नए बुनियादी ढांचे की तामीर। वबा से निपटने के लिए फौज भी पेश। जीएमसी राजौरी में ऑक्सीजन प्लांट फाल कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर के नौजवान जिंदगी के हर एक मैदान में कारहाए नुमाया अंजाम देकर ये साबित कर रहे हैं हम भी किसी से कम नहीं। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली अजरा कादरी ने कम उम्र में ही कामयाबी की बुलंदी को छू लिया है और मुल्क की सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेकर अनगिनत एजाजात अपने नाम कराए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कमरे की सफेद दीवार पर बनी शीशे की अलमारी में सजी अनगिनत और मुख्तलिफ अकसाम की ट्रॉफियां, टेबल पर सजे दर्जनों मेडल्स और कई सन्नदें इस कामयाबी, सलाहियत, जहानत और मेहनत लगन की दलील को बयां कर रही हैं, जिसे पाने के लिए पसीना खूब बहाना पड़ता है, क्योंकि कामयाबी यूं ही नहीं मिलती। वादी कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से नई उभरती हुई बैडमिंटन की बासलाहियत खातून खिलाड़ी अजरा कादर, जिन्होंने न सिर्फ स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बल्कि नेशनल सतह पर भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। मैंने अभी तक जो है, पहले तो मैंने जम्मू में खेला, बिकॉज स्टेट्स हमारा जम्मू में ही होता है। उसके बाद मैंने दिल्ली में खेला है, हरियाणा में खेला है, बैंगलोर में खेला है, कोलकाता में खेला है एंड चंडीगढ़ में मैंने खेला है। सो रिसेंटली अभी बैंगलोर से आई हूँ मैं नेशनल्स खेल के। एंड अगर हम अवार्ड्स की बात करेंगे, पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे टाइटल को कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ। एंड ऑलमोस्ट पिछले 7-8 ईयर से जितने भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स हुए, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, बडगाम था, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल हुआ था, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर होता है, तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं मैं वो खेलती हूँ। एंड शुक्र अल्लाह का कि मैं गोल्ड मेडल ही उसमें अभी तक ले पाई हूँ सभी टूर्नामेंट्स में। कॉलेज में ही अजरा कादर बैडमिंटन की तरफ ज्यादा माइल हुई और उन्होंने बैडमिंटन मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। अजरा कई सालों से इस कदर मेहनत और लगन से खेली और दिल लगाकर मेहनत की कि कश्मीर की स्टार बन गई। अजरा कादिर कश्मीर की पहली खातून बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मुल्की बैडमिंटन टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है और कामयाबियां भी हासिल की। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं दिल्ली में थी एंड दिल्ली में नेशनल टेलीविजन पे मुझे दिखाया था एंड मेरे जो पापा के फ्रेंड्स थे काफ़ी, एंड उन्होंने कॉल भी किया था पापा को कि लाइक अजरा को टीवी पे दिखा रहे हैं एंड वहाँ पे मुझे अवार्ड भी दिया था। सो काफ़ी प्राउड हुए पापा। एंड अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, वी आर 3 सिस्टर्स, आई डोंट हैव ब्रदर। सो मेरे लिए हमेशा था वो कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कभी पापा को ये ना लगे कि इसका बेटा नहीं है। सो उस टाइम पे पापा ने मुझे लाइक उन्हें खुद बोला कि नहीं, आज मुझे लग रहा है मेरा अगर बेटा भी होता वो ये चीज़ नहीं कर पाता जो आप करो, मेरे लिए आप बेटे से बढ़कर हो। दैट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। सबसे पहले मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि मैं अपने पेरेंट्स को वो चीज़ यकीन दिला पाई हूँ कि मैं उनके लिए बेटा हूँ, और फैमिली काफ़ी प्राउड थी। उसके बाद जब मेरे को अवार्ड्स मिले, जब नेशनल टेलीविजन पर दिखाया, या फिर जब मुझे यहाँ पर काफ़ी घर में भी इंटरव्यूज़ हुए, सो फैमिली वॉज वेरी प्राउड कि हाँ सारे खुश थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्राउड फील कर रहे। अजरा कादिर आज लड़कियों के लिए मशले राह बन रही हैं और उनकी कामयाबियों से मुतासिर होकर और लड़कियां बैडमिंटन खेल में आगे आ रही हैं। अजरा ने बैडमिंटन मुकाबलों में काबिले सताइश कारकर्दगी दिखाकर कई एजाजात और मेडल्स अपने नाम किए हैं। अजरा दूसरी लड़कियों को भी बैडमिंटन सिखा रही हैं। अजरा कादिर ने कहा कि वो गुज़श्ता 7 बरसों से बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं।
जब जब मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलती थी यहाँ पे घर से, तब तब मुझे जब लोग यहाँ पे पूरा मोहल्ला, बिकॉज सुबह जब उस टाइम नमाज का टाइम होता था तो मैं नमाज पढ़ के ही निकलती थी, एंड जब मुझे सारे लोग देखते थे यहाँ पे कि मैं इतनी मॉर्निंग में कहाँ जा रही हूँ, सो डेफिनेटली उनने उसके बाद बोला कि नहीं, अगर आप फिटनेस कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप हमारे बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करो, हमारे बच्चों को भी आप लेके जाओ। सो कुछ पहले पहले तो छोटी जो कुछ फैमिलीज है हमारे घर के पास, तो वो फैमिलीज ने मुझे पर्सनली अप्रोच किया, वो मेरे घर आए, उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चों को लेके जाओ प्लीज, हम भी चाहते हैं ये स्पोर्ट्स में कुछ करें। उसके बाद मैंने अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को मैं लेकर गई स्टेडियम, एंड मैंने उनको वहाँ पे रनिंग करवाई, मैंने उनको वहाँ पे फिटनेस करवाई। उसके बाद फिर कुछ स्कूल से मुझे कुछ लाइक रिकमेंडेशंस आई, मैंने कुछ स्कूल्स में भी अभी तक तो कोचिंग कैंप्स में करा चुकी हूँ, काफी सारे स्कूल्स में मैंने कोचिंग कैंप्स करे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अज़रा कादर मुस्तकबिल में लड़कियों को सिखाने के लिए फिटनेस और बैडमिंटन एकेडमी खोलने की मुतमनी है, ताकि अब दूसरी लड़कियां इस फील्ड में आगे आकर अपने नाम को रोशन कर सकें। मेरा ये अराउंड 2019 का मेरा ये सपना था कि मैं एकेडमी ये फिटनेस जिम खोलूं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, बिकॉज मेरे फादर थोड़ा बीमार पड़े उन दिनों में, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, ही वाज फिजिकली वेरी अनफिट, सो थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, मैं नहीं खोल पाई उसको। बट अगर रिस्पांस की मैं बात करूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, स्कूल्स से मुझे फैमिली से काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, मैं जहाँ खेलती हूँ वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे मुझे मुझे लाइक कहते रहते हैं कि रोज़ कि आप अपनी अकेडमी कब खोलोगे, हाँ उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट यही है कि अब जब इंशाल्लाह मैं उसको ऑफिशियली स्टार्ट करूँगी, डेफिनेटली आई होप कि सारे आई गेस पूरी मेरा पूरा डाउनटाउन तो आएगा ही आएगा, बाकी जितने भी मैं स्कूल्स में जा चुकी हूँ वो सारे बच्चे आएंगे। अज़रा की तरह और भी लड़कियां आगे आना चाहती हैं, वो भी बासलाहियत खिलाड़ी हैं। अगर हुकाम ने उन्हें तवज्जो दी तो वो भी जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगी। आलमगीर बाबा, कोरोना वायरस की कहर, सामानियों और ब्लैक फंगस की दहशत के बीच वादिया कश्मीर में महकमे सेहत ने बच्चों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती टीकाकारी मुहिम शुरू की। इस मुहिम में एक टीका पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में मुतारफ कराया गया, ताकि बच्चों को निमोनिया जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज रखा जा सके। कोविड 19 आलमी वबाई बीमारी के दरमियान जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत की जानिब से वादी में बच्चों के लिए हिफाजती टीकाकारी प्रोग्राम शुरू किया गया है। बच्चों के वालिदैन ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आलमी हिफाजती टीका साजी प्रोग्राम के तहत हुकूमत हिंद के तावुन करदा इस इकदाम का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के इकदामात बच्चों की सेहत की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो फायदा ही फायदा है, अदरवाइज गवर्नमेंट ये आपको ये बिल्कुल आपका ये चार्ट बना हुआ है किस महीने कितना करना है, हेल्थ वाइज अगर देखा जाए ये बच्चों की हेल्थ के लिए ही है, बिल्कुल सही स्टेप, बहुत बहुत अच्छा स्टेप है। सेहत आमा के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2.67 करोड़ सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है, जो सालाना करोड़ हामिला खवातीन को प्रोग्राम के जुमरे में 2.9 नवजायद बच्चों और औरतों को लाता है। ये टीकाकारी मुहिम सेहत आमा की तरफ से सबसे कम लागत वाली मुहिम है। इस प्रोग्राम से बच्चों में अमवात की शरह को कम करने में काफी कामयाबी हासिल हुई है। वो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इससे सब लोगों के जो नजदीक यहाँ के एरिया है उनको नजदीक मिलने के लिए फायदा होगा, आने जाने में भी बहुत फायदा मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। इससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही फायदा मिलेगा और इस जो इम्यूनाइजेशन उनकी बढ़ जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये तो बेहतर रहेगा, आज के हालात देखकर हमको जरूरी करने है क्या। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में महकमा जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डल्लू ने कहा, ये एक नई वैक्सीन है जो हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में शामिल की गई है। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों को 10 तरह की वैक्सीनेशन दी जाती है।
जबकि एक और वैक्सीन शामिल की गई है जिसे न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं। ये बच्चों को निमोनिया से महफूज रखती है। ये देखा गया है कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज की जो मॉर्टेलिटी है उसमें 16% बच्चे जो हैं उनकी मौत होती है निमोनिया से, तो उन मौतों को रोकने के लिए ये न्यूमोकोकल वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी यही अपील होगी सभी बच्चों से, सभी लोगों से, पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को ये डोज जरूर लगवाएं। निमोकोकल वैक्सीन को साल 2017 में मुल्क भर में नवजात बच्चों की शरह अमवात को कम करने के लिए मुतारिफ किया गया था और जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा ये वैक्सीन मुतारिफ कराई गई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाका मशहूर सयाहती मुकाम कोकरनाग की तरफ सयाहों को रागिब करने के लिए एक जामे मंसूबे के तहत बुनियादी ढांचे में तौसी की जा रही है। यहां सयाहों और मकामी सैलानियों की सहूलियत के लिए नई हटें तामीर की जा रही हैं। मकामी लोगों ने वबा बहरान में तामीराती काम हाथ में लेने पर सरकार की सराहना की है। वादी कश्मीर में शोभा सयाहत को फरोग देने के मंसूबे के तहत वजीर आजम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाका मशहूर मारूफ सयाहती मकाम कोकरनाग में बुनियादी ढांचे को वसत देकर सयाहों और सैलानियों की सहूलत के लिए नई हटें तामीर की जा रही हैं। यह हटें और कैफेटेरिया की इमारत 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। जो टू ये कोकरनाग डॉल में अथॉरिटी है तो इन्हें बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम कोकरनाग की बात करें, धंदीपुरा की बात करें, डक्सुम की बात करें, यहाँ तक कि सिंथन भी उन्हें थोड़ा बहुत डेवलप किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टूरिज्म का जो जहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर स्ट्रक्चर है तो हमें उम्मीद है कि टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। कोविड-19 बहरान की वजह से जहां मामूलाते जिंदगी की रफ्तार थम कर रह गई है, वहीं सयाहती मकाम कोकरनाग में मुस्तकबिल के सयाहती सीजन की तैयारियों के लिए तामीराती मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कोकरनाग की तरफ ज्यादा से ज्यादा सयाहों और मकामी सैलानियों को रागिब किया जा सके, जिससे यहाँ के सयाहती शोबे को फरोग मिल सकेगा। आम लोग इस इकदाम को काफी सराह रहे हैं। ये जो हट्स वगैरह बने हैं बहुत हम इसके डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। मगर हट्स बनने के बाद उनको यही है कि अगर टूरिज्म हमारा आएगा, टूरिज्म हमारे इलाके की तरफ आएगा तो हमारे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तब ही इन हटों का काम चलेगी या हमारे इलाके की काम चलेगी और कोकरनाग एक खूबसूरत जगह बन जाएगी हमारे मुल्क में। कोकरनाग में तामीराती काम कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी अंजाम दे रही है। कोकरनाग एक खूबसूरत और दिलकश सयाहती मकाम है। इस सयाहती मकाम के इर्द गिर्द नई हटें और दीगर इमारत तामीर करने से सयाहों के लिए बेहतरीन और आला सहूलियत दस्तियाब रहेगी। हुकाम का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सभी सयाहती मकामात को जाज़िबे नज़र बनाने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं और कोकरनाग में तामीरी सरगर्मियां इसी की एक कड़ी है। कोकरनाग, दक्सुम, सिंथन जो एरिया है, एक पूरा एक ऐसी सेगमेंट है जिसको एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम तब्दील कर सकते हैं। आज कुछ डिमांड उठी कि इसमें एक टूरिस्ट फेस्टिवल करवाया जाए। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको टेकअप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी इस एरिया में आए। और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे टनल का एक प्रपोजल है जो राउंड द ईयर हमें कनेक्टिविटी देगा। उससे कहीं ना कहीं इस एरिया में ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और टूरिस्ट का आना इस एरिया में बढ़ेगा। वीकेंड पर कोकरनाग जाना मकामी सैलानियों की पहली पसंद होती है। यहाँ सयाहती शोबे को फरोग देने से रोजगार के नए वसाइल भी पैदा होंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद कोकरनाग में वजारत दाखिला की गाइडलाइंस और कोविड प्रोटोकॉल के तहत तामीराती काम जारी रखने की इजाजत दी है।
आलमगीर वबा कोविड 19 से पैदा शुदा बहरानी सूरत हाल से लोग जहां परेशान हैं, वहीं इंतजामिया को अपना ताउन देते हुए फौज भी आगे आकर आम लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। पुंछ में फौज ने लोगों में जरूरी चीजें भी तकसीम की। आलमगीर वबा से निमटने में जहां इंतजामिया सरगर्म है, वहीं फौज भी पेश पेश है। पूंछ में मुगल रोड पर फौज ने खानाबदोशों और दीगर आम लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और दीगर जरूरी किट्स तकसीम किए। हम लोग धोखे में जा रहे हैं, हमारी बहुत इंशाल्लाह सहायता, हर बात की सहायता फौज भी कर रही है, बाकी महकमे वाले कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रोमियो फौज हमारी आज आई है, सैनिटाइजर दिए हैं, दवाइयां भी लोगों को दे रहे हैं, सब कुछ इनका ख्याल रखते हैं। हमारे ये पीछे धोखे हैं, इनमें माल मवेशी की कैसे रखना है, कैसे रहना है, ये भी समझा रहे हैं, सब कुछ। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस कंपनी के। रोमियो फोर्स 6 सेक्टर आरआर ने मुगल रोड पर एक कैंप मुनक्किद किया, जहां पर गुजर बकरवालों और दीगर खानाबदोशों को वबाई बीमारी से महफूज रहने के लिए जानकारी दी। इस दौरान फौज ने इन अफराद में जरूरी साजो सामान भी तकसीम किया, ताकि खानाबदोश भी इस वबाई बीमारी से महफूज रह सकें और दूसरों तक उनकी बीमारी ना पहुंचे। फौज ने मला समझाया कि टोकू में कैसे रहना है, अभी कोरोना चल रहा है, मतलब कैसा डिफेंस रखना है, भेड़ बकरी कैसे, इंसान को कैसे रहना है टोकू में। और ये रोमियो फोर्स है, उन्होंने काफी मदद की, दवाइयाँ वगैरह दी और राशन दिया पब्लिक को, ढोक मारू जितने लोग जा रहे हैं, दवाइयाँ सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, राशन दिया, और मतलब ये रोमियो फोर्स बहुत मतलब देख रही है और बहुत मदद कर रही है। रोमियो फोर्स ने आलमगीर वबा कोविड 19 की दूसरी लहर आने के साथ ही बेदारी मुहिम शुरू की, ताकि लोग बीमारी से महफूज रह सके। फौज इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़ी है, ताकि वबाई बीमारी के खिलाफ शुरू की गई जंग पर फतेह हासिल की जाए। हम माल मवेशी लेकर, हमारे यहाँ 5 डोके हैं, तरकन्ना, इंगली, चगा, पालका, वहाँ हम चराई करते हैं भेड़ बकरियाँ भैंसों की। तो हमारे साथ फौज ने बहुत तावन किया है, हमें यहाँ कैंप लगाया है और दवाइयाँ दी हैं और राशन दिया है। फौज जम्मू कश्मीर में कयाम अमन के साथ साथ मुहल्लिक और जानलेवा पोशीदा वायरस कोविड 19 से पैदा शुदा तिब्बी चैलेंजेस से निमटने में भी अपना रोल अदा कर रही है। जीएमसी राजौरी में ऑक्सीजन प्लांट बंद रखने के मामले का जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने संजीदा नोटिस लिया और जंगी बुनियादों पर यहां ऑक्सीजन प्लांट को फाल कर दिया गया। मकामी लोगों ने आलमगीर वबा कोविड 19 के बहरान में ऑक्सीजन प्लांट को फाल बनाने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पेश है इस बारे में हमारी एक रिपोर्ट। आलमगीर वबा कोविड 19 की होलनाकियों से महफूज रहने और तरह तरह के दीगर सेहत चैलेंजेस से निमटने के लिए जीएमसी राजौरी में हंगामी बुनियादों पर ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेशनल बनाया गया है। ये ऑक्सीजन प्लांट ठप था और इंतजामिया ने अवामी शिकायत का बरवक्त नोटिस लेकर इसको चालू किया, जिस पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। काफी दिनों से ये जो हमारी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। वी आर हाईली थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और डीसी साहब डेली इधर राउंड मारते थे, तो उन्होंने उनकी मेहनत से ये जो है जा जाके ऑक्सीजन प्लांट जो है आज जो है हमने पूरा आफ्टर ट्रायल जो है कंप्लीट किया है। तो इसकी वजह से हमें काफी राहत मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें काफी कमी महसूस हो रही थी। दुनिया में कोरोना वायरस के शुरू होने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स को फाल बनाने का अमल मुल्क भर में शुरू किया गया। ताहम दूसरी लहर से पैदा शुदा ऑक्सीजन बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स को फाल बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए हैं, जिनमें राजौरी का जीएमसी भी शामिल है।
ये जो कोरोना फैला हुआ है इसके बनिस्बत हमें यहाँ पहले जम्मू भेजा जाता था, तो जम्मू में भी हालात जो हैं अब बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पर हमें मिला, ये हमें एक गनीमत है, हमारे लिए एक तोहफा है। हम बड़ा मशहूर हैं गवर्नमेंट का, बिलखसूस LG साहब का और यहाँ के DC साहब। सर्दी की शदीद लहर होने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने एक छोटे प्लांट को लगाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया है। जबकि COVID-19 मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी सिलेंडरों को जोड़कर बहाल की गई है। हुकाम ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए गुज़िश्ता बरस जून में एक टेंडर निकाला गया था, जिसके तहत एक ठेकेदार को प्लांट लगाने का काम भी दिया गया था, लेकिन मजकूरा ठेकेदार काम करने में नाकाम साबित हुआ। ऑनरेबल LG साहब की सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं और मॉनिटर करते हैं और रोज इसको रिव्यू करते हैं। जहां राजौरी का तल्लक है, आज तक हम वहां जम्मू से सेंटर के जरिए लाते थे और अभी भी पेरिफेरल एरिया के लिए हमें जम्मू से लाना पड़ेगा, लेकिन जो मेन लोड था डिस्ट्रिक्ट यहां मेडिकल कॉलेज का और जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है जो इसका, ये वाला लोड अब कम हो गया है, खाली पेरिफेरल्स के लिए हमें सेंटर लाने पड़ेंगे। मुल्क भर में COVID-19 की दूसरी लहर और ब्लैक फंगस ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई चैलेंजेस पैदा किए हैं, जिनसे निमटने के लिए मरकजी और जम्मू कश्मीर की हुकूमत कोशां है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुँचा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे का शुमारा लेकर आइंदा फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।